दोस्तों लग रहे हैं ना बढ़िया मेरे ये सिरके वाले प्याज। ये प्याज आपने होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर ज़रूर खाए होंगे। कोई भी डिनर या लंच इनके बिना पूरा ही नहीं होता। और आज ये रेसिपी मैं आपको घर पर ही बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल सटीक तरीके से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम इन्हें बनाएंगे और बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा कि आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो चलिए रजवाड़ी रसोई में इसे बनाना सीखते हैं। रजवाड़ी रसोई में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की स्पेशल ये रेसिपी सीखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर बीट लिया है, यानी कि चुकंदर, जिसे मैंने काट कर रख लिया है। और ये मैंने सिरका लिया है। हमने यहाँ पर बेबी ऑनियंस लिए हैं। जितना छोटा आपका अनियन होगा उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन सकेंगे। इन्हें मैंने धोकर और छील कर रख लिया है। अब ये देखिए छोटे छोटे हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब हमें एक एक अनियन को इस तरीके से चीरा लगा लेना है ताकि इसके अंदर तक विनेगर जा सके। तो मैं अपने अनियंस को इस तरीके से चीरा लगा देती हूँ। मैं एक बार और आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे इनमें चीरा लगाना है। इस तरीके से आप अपने सारे अनियंस पर कट लगा लें और फिर उन्हें एक बाउल में रख दें। तो जो बाउल मैंने पहले इस्तेमाल किया था उसमें मैं हमारे सारे अनियंस को चीरा लगा कर रख देती हूँ। ये मेरा लास्ट अनियन है और इस पर भी मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है। तो कट लग गया है और सारे अनियंस हमारे रेडी हैं। इसमें मैं दो हरी मिर्च भी डाल रही हूँ क्योंकि सैलड में हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन गरम किया है और इसमें मैंने शुगर डाली है। शुगर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। जब शुगर आपकी हल्की से मेल्ट हो जाएगी और पानी और शुगर डाल के हमें शुगर को मेल्ट करना है, मतलब पानी को उबालना है। देखिए शुगर की क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। हमें बस शुगर को मेल्ट करना है ताकि पानी में हल्की सी मिठास आ जाए। इसलिए कम शुगर और ज़्यादा पानी हमने यहाँ पर लिया है। इसमें मैंने तेज पत्ते और काली मिर्च भी डाली है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए उबलने देते हैं। इसी बीच में इसमें जीरा भी डाल देती हूँ और अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें और थोड़ी देर के लिए इसे उबलने दें। बेसिकली इस पानी को हम छान कर यूज़ करेंगे और हम ये चाहते हैं कि पूरे जो मसाले हैं इनका फ्लेवर इस पानी में बहुत ही स्ट्रॉन्गली आ जाए। तो कुछ देर उबालने के बाद आप गैस को टर्न ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम हमारे प्याज और हरी मिर्च में बीट को भी ऐड कर देते हैं क्योंकि इसी से खूबसूरत पिंक कलर आएगा या रेड कलर आएगा। और इसके अंदर हमने डाल दिया विनेगर, यानी कि हमारा सिरका, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बेसिकली हमें हमारे पूरे अनियंस को पानी में अच्छे से डिप करना है। तो ये मैं हमारा जो पानी हमने उबाला था जिसमें हमने मसाले और चीनी डाली थी उसे अब मैं इस तरह से छान लेती हूँ क्योंकि अब वो ठंडा हो चुका है। और इस पानी को मैं ऐड करती हूँ हमारे अनियंस में। तो दोस्तों फाइनली हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर पानी थोड़ा कम रह जाए तो आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद भी कुछ अनियन और मिर्ची ऐड करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। अब हम इसे एक जार में डालेंगे और जार में डालने के बाद इसे 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे बाद आपके सिरके वाले प्याज बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए पिंक कलर के हो गए हैं ना ये। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनका कलर भी और चेंज होता रहेगा। और आप चाहे तो बीच में इन्हें चला भी सकते हैं, लाइक अच्छे से इन्हें चम्मच की सहायता से घुमाएं जिससे जो नीचे वाले प्याज है वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले वो नीचे चले जाएंगे, जिससे आपके हर एक प्याज में प्रॉपर कलर आ जाएगा। आप 5 से 6 दिन इन प्याज को एंजॉय कर सकते हैं। आप इन्हें अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए कितनी फटाफट मैंने आपको इन्हें बनाना सिखा दिया और कितना अच्छा कलर आया है ना इनका। तो इसी मौके पर इतनी अच्छी रेसिपी मैंने आपको सिखाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो फ्रेंड्स ये सिरके वाले प्याज बनाने की टेस्टी और इजी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।